हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप। टॉपिक है हमारा आज का प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या चीज़ है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड प्रोक्योरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द रिसोर्स प्रोवाइडर। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का क्या मतलब है? रिसोर्सेज को अरेंज करना। अब चाहे कहीं से भी अरेंज करो आप, चाहे कहीं से उधार मांग रहे हो, चाहे आपके पास पुराने पड़े हैं कहीं पे, वहाँ से कहीं से यूज़ कर रहे हो, कहीं से भी आप अरेंज कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोक्योरिंग से इधर मतलब है खरीद के लाना, चाहे आप खरीद के ला रहे हो किसी भी रिसोर्स प्रोवाइडर से। तो बेसिकली बहुत आसान भाषा में ये कहूँ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब यही होता है, रिसोर्स खरीद के जितने भी आपको चाहिए वो अपनी एंटरप्राइज में लेकर आना। सो दैट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कैन बी इनिशिएटेड एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर अचीव्ड ऑन टाइम। क्यों खरीद के लाना? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है उसे इनिशिएट किया जा सके, यानी स्टार्ट किया जा सके। भाई जब रिसोर्सेज आएंगे तभी तो उनकी हेल्प से हम स्टार्ट करेंगे ना अपना जो प्रोडक्शन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तभी तो हमारे गोल्स अचीव हो पाएंगे टाइम पे जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। तो रिसोर्सेज खरीद के लेके आना इज़ बेसिकली रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इट फोकसेस ऑन हैविंग राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेज एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस एंड मेकिंग राइट यूज़ ऑफ एक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब इसका फोकस क्या होता है, यानी ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है ये क्या चाहता है, ये क्या करता है? ये इस चीज़ पे ध्यान देता है कि हमारे पास राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हों, यानी जिन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है सेम वैसे ही रिसोर्सेज हमारे पास हों, कुछ हट के या कुछ उसका सब्स्टिट्यूट कुछ ऐसा ना हो कि बस जुगाड़ एक हो जाए, ऐसा नहीं। भाई जिस टाइप के रिसोर्सेज चाहिए सेम वैसे ही रिसोर्सेज होने चाहिए, जैसी मशीनें चाहिए, जैसा रॉ मटेरियल चाहिए सेम एज इट इज़ वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी अमिंग उठा लाए। एट राइट टाइम का मतलब है भाई जब आपको चाहिए तभी आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको डिलीवरी देनी है नेक्स्ट मंथ किसी भी प्रोडक्ट की, तो रिसोर्सेज आपके पास अरेंज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि दो तीन महीने बाद आप जाके रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, फिर फ़ायदा ही क्या डिलीवरी जब टाइम पे नहीं। राइट प्लेस से मतलब क्या है, जहाँ भी आपकी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ है एग्जैक्टली उधर आपको लेके आने हैं। ऐसे नहीं बहुत दूर कहीं गोडाउन है उसमें पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो उसका क्या बेनिफिट जब तक आपके पास नहीं आए हैं वो जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है। मेकिंग राइट यूज़ ऑफ एक्वायर्ड रिसोर्सेज का मतलब है भाई जिस पर्पज़ से आपने रिसोर्सेज लिए हैं उस पर्पज़ को पूरा भी करना है, उसको अच्छे से यूज़ भी करना है, अच्छे से यूटिलाइज भी करना है, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। सारी वीडियो ख़त्म।